गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन स्टूडेंट्स। और क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट साइंस और चैप्टर नंबर 7 इज स्टेट्स ऑफ मैटर। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड अ न्यू चैप्टर फ्रॉम स्टूडियो वॉल्यूम 2। टुडे वी विल रीड अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम स्टूडियो वॉल्यूम 2। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड आवर चैप्टर नंबर 7। हमने हमारा जो वॉल्यूम फर्स्ट था वो कंप्लीट कर लिया है एंड टुडे वी विल स्टार्ट आवर वॉल्यूम 2। चैप्टर नंबर इज 7। चैप्टर नंबर 7 इज स्टेट्स ऑफ मैटर। सो स्टूडेंट, फर्स्टली वी शुड टू नो व्हाट इज मैटर। फर्स्टली वी शुड टू नो व्हाट इज मैटर। मैटर इज द स्टफ दैट मेक्स अप द यूनिवर्स। पहले हमें इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, वी शुड टू नो अबाउट द चैप्टर, वी शुड टू नो अबाउट द मैटर, व्हाट इज मैटर। कि ये चैप्टर पढ़े उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर होता क्या है। ठीक है, मैटर है क्या? सो स्टूडेंट्स, मैटर इज द स्टफ, मैटर एक ऐसा स्टफ है दैट मेक्स अप द यूनिवर्स, जो कि हमारी यूनिवर्स को बनाता है, जिसने हमारी यूनिवर्स को बनाया है। एवरीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज मास, इट्स मैटर। जो भी मटेरियल स्पेस लेता है, जो भी जिस भी मटेरियल का मास होता है, उसका वेट होता है, द्रव्यमान होता है, वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। यानी इस यूनिवर्स में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि मैटर यानी पदार्थ, मैटर मीन्स पदार्थ, जो कि मैटर से मिलकर नहीं बनी हो, पदार्थ से मिलकर नहीं बनी हो। सो क्या है मैटर? मैटर इज द स्टफ दैट मेक्स अप द यूनिवर्स। एवरीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हिज मास इज मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर ऑन चैप्टर नंबर 7। व्हाट इज स्टेट्स ऑफ मैटर? सो स्टेट्स ऑफ मैटर मीन्स पदार्थ की अवस्थाएं। अब ये जो मैटर है, ये अलग अलग फॉर्म में होता है। किस किस फॉर्म में होता है, किस तरीके का होता है, ये हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। सो स्टूडेंट्स, मैटर, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू आवर बुक। According to our book, there are three types of matter, which is solid, liquids and gases. So, how many types of matter? Three types of matter: solid, liquid and gases. So, students, let's start. Yes. Recall the properties of three sets of matter: solid, liquid and gases that you have learned. तो स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है? हमें इन स्टेट्स की प्रॉपर्टीज़ को रिकॉल करना है। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अगर हम बात करें सॉलिड की, तो हमें कुछ पता है सॉलिड के बारे में? हम कुछ जानते हैं? इन आवर बुक एक्टिविटी 7.1, ऑब्जर्व द बॉक्सेज इन फिगर 1। ईच बॉक्स हैज़ अ फैक्ट फॉर फैक्ट और एन एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ द थ्री स्टेट्स। कलर द बॉक्सेज यूजिंग द कलर कार्ड प्रोवाइडेड। तो देखिए, इन्होंने ये बुक एक्टिविटी दे रखी है जो कि हमें कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स, मैं आपको समझा देती हूँ, बट प्लीज़ यू विल ट्राई टू डू दिस एक्टिविटी। इफ़ यू डोंट, देन आई विल सेंड यू। फर्स्टली यू शुड टू ट्राई फिल। पहले आपको इसको फिल करने की कोशिश करना है। आप इसे ट्राई करो फिल करने की, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको PDF में सेंड करूँगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ इन्होंने सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के कलर्स दे रखे हैं। सॉलिड रेड, लिक्विड ब्लू, गैसेस ग्रीन। और यहाँ जो बॉक्सेस हैं, उन बॉक्सेस में क्या है? यहाँ जो बॉक्सेस हैं, उन बॉक्सेस में हमें इनको कनेक्ट करना है। वो जो बॉक्सेस में इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स इन्हीं मैटर के हैं। सॉलिड के हो सकते हैं, लिक्विड के हो सकते हैं एंड गैसेस के हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, इन आवर फर्स्ट बॉक्स हैज़ नो फिक्स्ड शेप एंड कैन नॉट बी पार्ट। जिसका क्या नहीं होता है? शेप फिक्स नहीं होता है
और जिसको हम पार भी नहीं कर सकते हैं, वो क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेस है? जो भी आपको लगता है प्लीज़ राइट हियर. सेकेंड इज़ फ्लोस फ्रीली एंड कांट बी कैप्ट इन एन ओपन कंटेनर, जो कि क्या होता है, फ्रीली फ्लो हो सकता है, फ्रीली बह सकता है एंड कैन नॉट बी कैप्ड इन एन ओपन कंटेनर. और हम उसको किसी ओपन कंटेनर में, किसी खुले कंटेनर में क्या नहीं कर सकते हैं, कैप नहीं कर सकते हैं, हम उसको रख नहीं सकते हैं. क्या हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. जो भी आपको लगता है प्लीज़ राइट हियर. यहाँ एक देखिए पिक्चर दे रखी है. इस पिक्चर में क्या है? इस पिक्चर में एक फ्लावर है. इस पिक्चर में एक फ्लावर है. तो यहाँ आपको ये फ्लावर इंडिकेट कर रहा है कि ये सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है. तो आपको जो भी यहाँ लगता है प्लीज़ यहाँ राइट कीजिएगा. आफ्टर दिस कैन बी पोर्ड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर, यानी हम इसको एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में पोर कर सकते हैं. क्या हम सॉलिड को कर सकते हैं पोर एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में? क्या हम लिक्विड को पार कर सकते हैं? क्या हम गैसेस को पार कर सकते हैं? अगर आपको इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा भी ध्यान है तो आप इस एक्टिविटी को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बुक एक्टिविटी है इट इज़ अ बेसिक नेम, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस. हम खाली इनके नेम से देखकर इन कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं. सो कैन बी पॉर्ड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर, क्या हम इसको एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में पॉर कर सकते हैं? कौन? सॉलिड, लिक्विड या गैस? जो भी आपको यहाँ लगता है राइट कीजिएगा. आफ्टर दिस देखिए यहाँ एक बॉक्स है. उस बॉक्स में कुछ स्मॉक टाइप है, कुछ स्मॉक टाइप है. अभी आपको पहचानना है कि सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है या गैसेस स्टेट में है. जो भी आपको लिखता है आप लगता है यहाँ आप राइट कीजिएगा. आप पेंसिल से राइट करेंगे ताकि आप पहचान सकें, आप सही कर सकें जब मैं आपको सेंड करूँ. कैन नॉट फ्लो फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर, जो कि क्या नहीं हो सकता है, फ्लो नहीं हो सकता है एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में. कौन सा स्टेट हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. सो स्टूडेंट्स यहाँ एक बॉटल है और उसमें वाटर है जो कि फ्लो हो रहा है. अभी कौन सा स्टेट है? सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, ये आपको यहाँ राइट करना है. यूजुअली इनविजिबल, जो कि इनविजिबल होती है, सॉरी जो कि इनविजिबल होता है. सॉलिड होता है इनविजिबल, लिक्विड होता है या गैसेस होता है, जो भी लगता है आपको यहाँ राइट कीजिएगा. कीप्स इट्स शेप व्हेन मूव्ड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर, मींस ये अपना शेप रखता है. चाहे हम इसको एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में पहुँचाएँ, इसको एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करें, मूव करें, लेकिन इसका जो शेप है वो शेप वही ही रहेगा. ये क्या है, क्या हो सकता है? प्लीज़ प्लीज़ ट्राई दिस एक्टिविटी. आफ्टर दिस आई विल सेंड यू इन PDF. फर्स्टली यू शुड टू ट्राई, एक बार आप करने की कोशिश कीजिएगा कि आपको भी पता हो कि आपने कितना ज्ञान किया है, आपके कितना समझ में आया है. फिर अगर आपको नहीं आएगा तो मैं सेंड करूँगी आपको इस एक्टिविटी को. So students, after this we will continue in our next class. Thank you so much. Take care, students.